कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक करोड़पति माफिया को देखते हैं। बिली एक बंदरगाह का मालिक था और उसके बंदरगाह से ही उनके शहर में सभी गैरकानूनी हथियार, ड्रग्स, अंडर एज प्रोस्टिट्यूट और भी बहुत सारी इलीगल चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती थी। आज बिली के लिए काफी खास दिन था। हम देखते हैं कि उसके बॉस ने सभी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का बंदोबस्त किया था। इस पार्टी में शहर के सभी नामचीन बेईमान बिजनेसमैन, चोर उचक्के और पॉलिटिशियन लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि बिली के बॉस को किसी से इस बात की भनक लग जाती है कि वो उनके शहर में किसी तरह का बायो वेपन इम्पोर्ट कर रहा है। उनके बिजनेस में उसने सभी को पैसा कमाने के लिए बुरे से बुरा काम करने की आजादी दी थी, पर वो बिली को उस बायो वेपन को उनके खुद के शहर में लाने से मना करता है। बिली को उसके इस डील से $100 मिलियन मिलने वाले थे, इसीलिए आज उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उल्टा अपने ही बॉस से जबान लड़ाने लगता है। उन दोनों के बीच में माहौल काफी गर्म हो गया था, पर उसका बॉस अपने वसूलों का पक्का था। वो बिली से साफ साफ कहता है कि अगर उनके शहर में उसे किसी भी तरह का बायो वेपन दिखाई दिया तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पार्टी बहुत अच्छी बीती और अब उनके खाना खाने का समय हो गया था। वो सभी जब खाना खाने जा रहे थे तभी अचानक से लाइट चली जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वो सभी देखते हैं कि एक आदमी उनके खाने की टेबल पर हाथ में हथियार लिए खड़ा था। वो उस माफिया बॉस के साथ उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है जिनका संबंध किसी न किसी माफिया गिरोह से था। कुछ पुलिस वाले वहां पर छुपकर जासूसी कर रहे थे और जब उन्हें अंदर से एक के बाद एक लगातार गोलियां चलने की आवाज आती है तो वो देखने जाते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। उनमें से एक पुलिस वाले को रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसने कुछ देर पहले अंदर कत्लेआम मचाया था। इस आदमी का नाम फ्रैंक कैसल था और वो पुलिस वाला फ्रैंक को रोकने की जगह उसकी भागने में मदद करता है और वो उसे ये भी बताता है कि बाकी के भगोड़े उसे कहां मिलेंगे। पुलिस वाला खुद के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और बाहर जाकर सभी से झूठ बोलता है कि फ्रैंक उसे मारकर वहां से भागा है। फ्रैंक किसी के लिए काम नहीं करता था बल्कि ये लड़ाई उसकी खुद की थी। वो जिस दर्द को लेकर घूमता था उसके आगे उसके शरीर की चोटें कुछ मायने नहीं रखती थी। इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि फ्रैंक अपने नाक की टूटी हुई हड्डी को बिना चीखे चिल्लाए सीधा कर लेता है। दूसरी ओर बिली खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था क्योंकि पनिशर ने उसके बॉस के साथ साथ उन सभी लोगों को मार दिया था जो उसके रास्ते का कांटा थे। लेकिन बिली को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसका असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि इतने सालों से उसके करीब ही बैठा था। बिली का सबसे भरोसेमंद आदमी निकी डोनाटली एक FBI एजेंट था और वही पुलिस वालों को उसके सारे गैर कानूनी कामों की जानकारी देता था। फ्रैंक, जिसे उसके दुश्मन पनिशर के नाम से भी जानते थे, वो उन लोगों का पीछा कर रहा था और इतने सालों बाद उसे शहर के सभी बुरे लोगों को एक साथ खत्म करने का सुनहरा मौका मिला था। पनिशर उनके अड्डे पर जाता है और अंदर घुसते ही उसके सामने आने वाले पहले आदमी पर गोली चला देता है। पनिशर बेरहमों को उनके किए की सजा देते देते खुद एक बेरहम बन गया था। उसने इतने सालों में शायद ही किसी को मारने से पहले एक बार भी उसके बारे में सोचा होगा। उसने कभी किसी बेकसूर को नहीं मारा लेकिन आज उसने एक गलती कर दी थी। हम देखते हैं कि उसने जिस आदमी पर आते के साथ ही गोली चलाई थी वो वही FBI एजेंट था। बिली के लोग पनिशर पर गोलियां चलाते हैं पर उसके पास मिलिट्री ग्रेड का बुलेट प्रूफ जैकेट था जिसे कोई भी बुलेट चीर नहीं सकती थी। पनिशर बिली को कांच पीसने वाली मशीन के अंदर फेंक देता है लेकिन जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। वो उस मशीन को चालू कर देता है और एक कांच पीसने वाली मशीन के अंदर किसी हार्ड मास के इंसान की क्या हालत होती है शायद ही कोई होगा जिसे इसके बारे में ना पता हो। बिली उन नुकीले कांचों के बीच में बुरी तरह पीस रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पनिशर उनके हाथों से बच निकला था। पनिशर पिछले 5 सालों से शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने उसे पकड़ा हो, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग उसके काम करने के तरीके को ही जुर्म मिटाने का सही तरीका समझते थे। पनिशर को ये बात दिन रात परेशान कर रही थी कि उसने एक भले इंसान को मार दिया। वो खुद पर बहुत गुस्सा था। उसने कभी अपने इस काम को रोकने के बारे में नहीं सोचा लेकिन आज वो खुद से सवाल करने पर मजबूर हो गया था। उसने अब फैसला कर लिया था कि अब से वो किसी को नहीं मारेगा, वो पुलिस वालों को ही उनका काम करने देगा। पर उसका क्राइम पार्टनर जिसका नाम माइक्रो था वो पनिशर को समझाता है कि उसने उस FBI ऑफिसर को जानबूझकर नहीं मारा, ये सब बस एक गलती थी। और इतिहास गवाह है कि हर बड़े मकसद में कुछ फैसले और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे इंसान को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है।
हम देखते हैं कि FBI ने उस शहीद एजेंट को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके परिवार वालों और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक ग्रेवयार्ड पर बुलाया था। पॉल नाम का एक दूसरा FBI एजेंट अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था। पॉल निकी की वाइफ एंजेला से वादा करता है कि वो पनिशर को पकड़कर उसे कानून की सबसे बुरी सजा दिलवाएगा। एंजेला की बेटी ग्रेस वहां पर पनिशर को देखती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी की वजह से उसके पिता शहीद हुए थे। पनिशर पश्चाताप के लिए निकी की कब्र के पास खड़ा होकर उससे उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। हमें पता चलता है कि वहीं पर उसके परिवार की भी कब्र थी। दरअसल 5 साल पहले फ्रैंक भी एक आम आदमी था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन उसके पनिशर बनने की शुरुआत तब हुई जब उसके पूरे परिवार को एक माफिया गिरोह ने बस इसीलिए मार दिया क्योंकि उसके परिवार ने कुछ लोगों का खून होते हुए देख लिया था। उन लोगों ने फ्रैंक पर भी कई गोलियां चलाई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर गोली पर उस पे मरने वाले का नाम लिखा होता है। फ्रैंक उस दिन बच गया था और तब से उसका बस एक ही मकसद है, और वो ये है कि वो उन सभी लोगों को खत्म कर देगा जो उस माफिया गिरोह से जुड़े थे। हम देखते हैं कि बिली इतने दर्दनाक हादसे के बाद भी जिंदा बच गया था। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि शहर का कोई भी डॉक्टर उसका इलाज करना तो छोड़ो, उसे देखने तक वो तैयार नहीं था। उन कांच के टुकड़ों के साथ पिसने की वजह से बिली के चेहरे पर 1 इंच भी मांस नहीं बचा था। हम देखते हैं कि एक डॉक्टर ने उसके चेहरे पर घोड़े की चमड़ी लगाकर उसे किसी तरह टुकड़ों में जोड़ दिया था। उसका चेहरा इतना घिनौना था कि उसे देखकर उसी का एक आदमी उल्टी करने लगता है। बिली को जब पता चलता है कि निक एक FBI एजेंट था और वो इतने समय से FBI को उनके सारे इलीगल कामों की जानकारी दे रहा था, तो उसे पनिशर से ज्यादा निक पर गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके लिए आस्तीन के सांप जैसा था जो उसे धीरे धीरे निगल रहा था। साइको माइंडेड बिली अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने ही डॉक्टर को मार डालता है, और उसे मारने के बाद वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। बिली उन्हें कहता है कि अब से उसे कोई बिली नहीं कहेगा, वो खुद को एक नया नाम देता है। वो चाहता था कि लोग उसे जिग्सो कहकर बुलाएं। उसने अपना ये नया नाम एक पजल गेम के नाम पर रखा था क्योंकि उसे भी किसी जिग्सो पजल की तरह जोड़कर बनाया गया था। अब से हम भी उसे जिग्सो ही बोलेंगे। हम देखते हैं कि अब जिग्सो को किसी पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका एक पागल भाई भी है जो उससे भी ज्यादा बेरहम और सनकी था। उसके भाई का नाम जिम था, और हम देखते हैं कि कोर्ट ने उसे एक पागल खाने में बांध कर रखने की सजा सुनाई थी। जिग्सो उस मेंटल असाइलम पर हमला करता है और वो अपने भाई को छुड़ा लेता है। उसकी बेड़ियां टूटते ही जिम सबसे पहले उस आदमी को मारता है जो उसे हर दिन खाना देने आता था। हम देखते हैं कि वो उसकी किडनी खा जाता है, जिसका मतलब ये था कि इतने सालों में उसकी मानसिक स्थिति में रद्दी भर भी सुधार नहीं आया था। जिग्सो जब जब अपने चेहरे को देखता था, उसे याद आता था कि पनिशर ने उसके चेहरे की क्या हालत कर दी है। वो जिम के सामने रोने लगता है, लेकिन जिम उससे वादा करता है कि वो पनिशर को कहीं से भी ढूंढ कर उसे दुनिया की सबसे भयानक मौत देगा। जिम अपने भाई को खुश करने के लिए उसके आसपास के सभी शीशे तोड़ देता है, और उन्हें तोड़ते वक्त उसका चेहरा भी काफी हद तक खराब हो गया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पनिशर निकी के परिवार के पास जाता है। उसकी बेटी को देखकर उसे अपने बच्चों की याद सता रही थी। वो जानता था कि किसी की भी पत्नी अपने पति के कातिल को माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो उनके लिए कुछ पैसे लाया था ताकि वो उसके परिवार की कम से कम आर्थिक रूप से मदद कर सके। हम देखते हैं कि एंजेला उसे मारना चाहती थी क्योंकि उसने जो उनका नुकसान किया था उसकी भरपाई पैसे से तो क्या, दुनिया की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती थी। पनिशर उसके सामने खड़ा रहता है। वो एंजेला से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे मार सकती है, शायद वो इसी के लायक है। वो समझ सकता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि आज जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही 5 साल पहले किसी ने मेरे साथ भी किया था। बस दोनों में फर्क इतना है कि उन लोगों ने मेरे परिवार को जानबूझकर मारा था, और मेरे हाथों तुम्हारे पति की मौत महज एक इत्तेफाक था जिसका उसे दिल से पछतावा है। एंजेला ये सुनकर उसे नहीं मारती, लेकिन वो उसके पैसों को लेने से भी मना कर देती है। पॉल जो पनिशर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, वो उनके शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर उन सभी लोगों की क्लास लगाता है, क्योंकि एक FBI एजेंट की मौत के बाद भी वो लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि पुलिस स्टेशन ना होकर उनके बुआ का बगीचा हो। एक आदमी उसे कहता है कि हम तो उसे नहीं पकड़ पाए, अगर तुम उसे पकड़ सकते हो तो वो रही पनिशर की फाइल, उसमें उसकी सारी जानकारी है, तुम जाके उसे पकड़ लो। पॉल देखता है कि उन लोगों ने पनिशर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, वहां पर उसके गुनाहों की फाइल नहीं
बल्कि फाइलें थीं। उनका पूरा बेसमेंट ही पनिशर की फाइलों से भरा हुआ था। दूसरी ओर जिग्सो अपनी अब तक की सबसे बड़ी डील को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उनके शहर में रशियंस एक बायो वेपन इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि पनिशर ने बिल्ली की क्या हालत की है, तो एक बार तो वो भी अपने कदम पीछे कर लेते हैं। उन्हें डर था कि अगर उसने इन लोगों का ऐसा हश्र किया है तो वो उन लोगों की क्या हालत करेगा। हम देखते हैं कि उन दोनों में डील के दौरान थोड़ी अनबन हो जाती है। उस रशियन माफिया का आदमी जिग्सो के बिगड़े चेहरे का मजाक उड़ा देता है, जिसके बाद जिग्सो उसे मार डालता है। रशियंस उसे कहते हैं कि उसके काम करने का तरीका बहुत ही गलत है। उसने अभी अभी उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को मार दिया, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिग्सो उसे कहता है कि जिस चीज को वो शहर की गलियों में लाना चाहता है वो उसके बिना तो वो नहीं ला पाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम पुरानी बातों को भूलकर अपने मकसद पर ध्यान दें। रशियन उसे 3 दिन का समय देता है और वो एक दूसरे का और खून ना बहाए वहां से शांति से चले जाते हैं। दूसरी ओर पनिशर ने फैसला कर लिया था कि अब से वो गुनहगारों को उनके किए की सजा नहीं देगा। निक के परिवार ने उसे माफ नहीं किया था और वो इस बोझ को लेकर काम नहीं कर सकता। माइक्रो उसे कहता है कि जिग्सो निक से बहुत गुस्सा है और उसके जैसा सनकी आदमी सबसे पहले उसके परिवार को ही नुकसान पहुंचाएगा। वो कहता है कि तुम ही उन्हें बचा सकते हो, अगर कानून उसे रोक सकता तो अब तक वो सड़कों पर खुला ना घूम रहा होता। पनिशर इसे अपना आखिरी मिशन समझकर एक बार फिर से हथियार उठा लेता है और अब से निक के परिवार को सुरक्षित रखना ही उसका निक से माफी पाने का एकमात्र जरिया था। हम देखते हैं कि पनिशर जिग्सो के लोगों को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही उन्हें मिलते हैं पनिशर उनमें से एक को तो बजूका से उड़ा देता है। अब सिर्फ एक बचा था। वो पनिशर से उसकी जान की भीख मांगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिग्सो का पता जानने के बाद पनिशर उसे उसकी सोच से भी ज्यादा बुरी मौत देता है। पॉल भी वहीं पर पूछताछ कर रहा था और उसकी लाश सीधा पॉल के सामने आकर गिरती है। पॉल पनिशर को गन पॉइंट पर रखकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। पनिशर उसे उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन पॉल पूरा कानून का रखवाला टाइप का आदमी था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि पनिशर ये सारे गुनाह अच्छाई के लिए करता है या फिर अपने निजी मकसद को पूरा करने के लिए। उसके लिए क्राइम क्राइम था, फिर चाहे वो कोई भी करे। पॉल उसे रोकने के लिए उसे फाइट करता है, लेकिन पनिशर की फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ना के बराबर थी। आखिर में पॉल खुद को उसके साथ एक हथकड़ी से बांधकर चाबी को दूर फेंक देता है, ताकि अगर पनिशर उसे मार भी दे तो वो वहां से भाग ना सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिग्सो एंजेला के घर में घुसकर उसे अपने पैसे मांगता है। दरअसल उसे निक पर इतना भरोसा था कि उसने अपने सारे पैसे उसी को दे रखे थे और अब वो पैसे कहाँ हैं इसका उसे कोई आइडिया नहीं। वो एंजेला और उसकी बेटी को डराता धमकाता है, लेकिन उन दोनों को निक के छुपाए हुए पैसों के बारे में कुछ नहीं पता था। जब पनिशर पॉल को बताता है कि निक का परिवार खतरे में है, तो पॉल उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस वालों को उनके घर निगरानी रखने के लिए भेजता है। उसके कहने पर जब 2 पुलिस वाले एंजेला के घर पर जाते हैं तो जिम उन दोनों को देखते ही उन्हें मार देता है। जिग्सो उनके घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन उसे उसके पैसे नहीं मिलते और अब उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। पॉल जब एंजेला के बारे में पूछने के लिए उन पुलिस वालों को फोन करता है तो उसे उनका कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि वो दोनों खतरे में हैं। उसने पनिशर को अभी भी हथकड़ियों से बांध रखा था और उसके बार बार समझाने के बावजूद भी वो अकेला एंजेला के घर के अंदर चला जाता है। पॉल घर के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखता है और वो देखता है कि उन लोगों ने ग्रेस के सिर पर बंदूक तान रखी थी। उसे उस बच्ची की जान की सलामती के लिए अपने हथियार फेंकने पड़ते हैं और अब जिग्सो के पास 3 हॉस्टेजेस थे। हम देखते हैं कि पॉल के साथ का पुलिस वाला पनिशर के साथ मिला हुआ था। वो उसकी हथकड़ियां खोल देता है, जिसके बाद पनिशर अंदर घुसकर सभी को मार देता है। पॉल उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन पनिशर वहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। जिग्सो और उसका भाई रंगे हाथों पकड़े गए थे और पनिशर ग्रेस और एंजेला के साथ वहां से भाग जाता है। कमिश्नर जिग्सो से कहता है कि उसे खुद का वकील रखने का पूरा हक है, लेकिन अब कोई भी वकील उसे किसी भी सूरत में फांसी से बचा नहीं सकता। पनिशर एंजेला और उसकी बेटी को अपने खुफिया अड्डे पर लेकर आता है। वो एंजेला से कहता है कि जब तक बिली को कानून उसके गुनाहों की सजा नहीं देता तब तक उन्हें यहीं पर रहना है। उन्हें खाना पानी कपड़ा सब कुछ मिलेगा, पर वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ग्रेस को वहाँ पर फ्रैंक के बच्चों के खिलौने मिलते हैं। जब फ्रैंक उसे उनसे खेलते हुए देखता है तो उसे खुद के बच्चे याद आने लगते हैं, जिनकी याद में उसने उनकी एक एक चीज को सिरज कर रखा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि FBI का डायरेक्टर
जिगसॉ के कोर्ट ट्रायल से पहले उससे बात करना चाहता था। दरअसल निक ने मरने से पहले जो उन्हें जानकारी सौंपी थी उन्हें किसी बायो वेपन डील के बारे में बताया था। अब ये एग्जैक्टली किस तरह का वेपन था और उसे उनके शहर में क्यों लाया जा रहा था, इन सब की जानकारी देने से पहले निकी मारा गया। अब कोई था जिसे बाकी की डिटेल्स पता थी तो वो सिर्फ जिगसॉ ही था। कमिश्नर उससे कहता है कि इस आदमी से सौदा करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस आदमी ने उनके दो ऑफिसर्स का खून किया है और उसके फॉर्मर FBI एजेंट के परिवार को मारने की कोशिश की। डायरेक्टर उसे झूठा आश्वासन देता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा क्योंकि उसे भी पता था कि बिली जैसा शातिर अपराधी ऐसे ही अपना मुंह नहीं खोलेगा। हम देखते हैं कि उस जानकारी के बदले में उन दोनों भाइयों को उनकी रिहाई और पनिशर की सारी डिटेल्स चाहिए थी। वो कहाँ रहता है, उसके साथ कौन कौन काम करता है, वो कौन है, उन्हें सब कुछ चाहिए था। डायरेक्टर को एक साथ दो लोगों को हटाने का मौका मिल रहा था क्योंकि पनिशर भी उसकी नजर में एक अपराधी ही था। वो उनसे सौदा कर लेता है जिसके बाद जिगसॉ उन्हें डील की लोकेशन और टाइम बताता है। वो रशियन जब उन्हें पैसे देकर उस बायो वेपन को वहां से भेजने की तैयारी कर रहे थे तभी FBI उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। इस तरह उन लोगों ने एक बहुत ही बड़े खतरे को टाल दिया था, लेकिन साथ ही में उन्होंने एक ऐसे मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया था जिसने अभी कुछ देर पहले दो पुलिस वालों को बेरहमी से मारा था। हम देखते हैं कि जिगसॉ के पास पनिशर के लिए काम करने वाले सभी लोगों की डिटेल्स थी। वो उन लोगों के घर में घुसकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। पनिशर जब माइक्रो के घर पर जाता है तो वो देखता है कि उन्होंने उसकी माँ को मार दिया था। उसके लोग एंजेला और ग्रेस को भी किडनैप कर लेते हैं और जिस आदमी को पनिशर ने उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से काट कर उसे अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो आदमी पनिशर से उसे मारने की विनती करता है क्योंकि उसका दर्द असहनीय था। पनिशर उससे इसके लिए माफी मांगता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे शूट कर देता है। हम देखते हैं कि जिगसॉ ने शहर के सभी गैंगस्टर्स को अपनी ओर कर लिया था और वो उन्हें कहता है कि बेशक हम एक दूसरे से लड़ते हैं लेकिन आज रात उनका सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है और वो है पनिशर। वो उन सभी को मुफ्त में हथियार देता है और बदले में उसे बस एक चीज चाहिए थी जो थी पनिशर की डेड बॉडी। पनिशर पॉल को चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। पॉल का भी अब कानून से विश्वास उठ गया था क्योंकि जिगसॉ उसी कानून का सहारा लेकर आज खुलेआम घूम रहा था। पनिशर उसे कहता है कि वो उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं देगा। अगर उसे निक की फैमिली को सच में बचाना है तो उन्हें उसके तरीके से काम करना होगा। इसके बाद वो दोनों जिगसॉ के अड्डे पर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिगसॉ ने जानबूझकर अलग अलग एरिया के गैंगस्टर्स को एक साथ इकट्ठा किया था। उसे पता था कि उनके सालों की दुश्मनी बस एक चिंगारी से आग पकड़ लेगी। उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। हम देखते हैं कि जब वो एक दूसरे को अपने आमने सामने देखते हैं तो वो पनिशर को भूलकर एक दूसरे पर ही गोली चलाने लगते हैं। दूसरी ओर पनिशर पॉल के साथ आ तो गया था लेकिन उसे पता था कि पॉल जैसा ईमानदार आदमी किसी को मारने से पहले उसे अरेस्ट करने के बारे में सोचता है। ये जगह उसके लिए नहीं थी इसलिए अब वो अकेला आगे बढ़ने वाला था। पनिशर जब अंदर घुसता है तो वो देखता है कि आधे से ज्यादा लोगों ने तो आपस में ही खून खराबा कर रखा था। बचे हुए लोग उस पर हमला करते हैं लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। पनिशर ने अपनी सारी गोलियां खत्म कर दी थी और इस मौके का फायदा उठाकर जिम उसके ऊपर हमला कर देता है। जिम किसी जानवर की तरह उसे नोच कर और काट कर मारने की कोशिश करता है लेकिन जब पनिशर को गुस्सा आता है तो वो उसे उठा उठा कर पटकता है। जिम मार खा खा कर हंस रहा था जैसे कि उसे इन सब में मजा आ रहा हो लेकिन पनिशर उसे इतना मारता है कि वो उसके इस मजे को धीरे धीरे सच में दर्द में बदल देता है। अंत में जिम को वहां से भागना पड़ता है। जिम भागकर अपने भाई के पास आता है। पनिशर देखता है कि जिगसॉ ने ग्रेस और उसकी दोस्त माइक्रो दोनों के ऊपर बंदूक तान रखी थी। जिम पनिशर को तुरंत मारना चाहता था लेकिन जिगसॉ उसे ऐसा करने से रोकता है। वो चाहता था कि पनिशर को मरते वक्त उतना ही दर्द हो जितना कि उसे उस कांच पीसने वाली मशीन के अंदर फंसकर हुआ था। वो उसकी गन की सारी गोलियां खाली कर देता है और आखिर में सिर्फ एक गोली ही बचती है। वो पनिशर को दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका देता है। या तो वो अपने दोस्त को बचा सकता था या फिर उस छोटी बच्ची को। उसका दोस्त माइक्रो उसे कहता है कि वो उसे गोली मार दे। उस बच्ची का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम उसे नहीं मार सकते। पनिशर ने भी किसी भी हालत में निक की फैमिली को सुरक्षित रखने का खुद से वादा किया था। हम देखते हैं कि पनिशर उस आखिरी गोली को जिम के सिर के आर पार कर देता है और बदले में जिगसॉ माइक्रो को मार देता है। जब जिगसॉ एंजेला और ग्रेस को मारने वाला था तो पनिशर उनके बीच में आकर उन्हें गोली लगने से बचा लेता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और ये ऑब्वियस था कि जिगसॉ दिमाग से कितना भी सनकी हो
लेकिन उसके अंदर पनिशर जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। जिग्सॉ उसे बहुत मार खाता है और आखिर में पनिशर उसे जिंदा जलाकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इस तरह पनिशर ने शहर के सभी माफिया गिरोह को खत्म कर दिया था। हम देखते हैं कि एंजेला पनिशर से माफी मांगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था, जिस कानून के लिए उसके हस्बैंड ने अपनी और अपने परिवार तक की जान को दांव पर लगा दिया था। उस कानून ने ही जिग्सॉ जैसे खूंखार अपराधी को छोड़कर ये साबित कर दिया कि शहर को पनिशर जैसे लोगों की कितनी जरूरत है। एंजेला उसे माफ कर देती है और इस तरह पनिशर के दिल से निक की मौत का बोझ उतर जाता है। पॉल भी पनिशर को वहां से जाने के लिए कहता है और अब से वो भी शहर को बचाने के लिए उसका साथ देने को तैयार था, फिर चाहे उसे कुछ कानून ही क्यों ना तोड़ने पड़े। उसका साथी पुलिस वाला पनिशर से कहता है कि अब तो शहर में क्राइम बहुत कम हो गया है, तो क्या तुम इस काम को ऐसे ही करते रहोगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक चोर मिलता है। वो उसे चाकू दिखाकर लूटने आया था। हम देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी पनिशर उस चोर का भेजा उड़ाकर उसे मार देता है। इसका मतलब साफ था कि शहर से कभी जुर्म खत्म नहीं होने वाला और ना ही पनिशर कहीं जाने वाला है, वो यहीं रहेगा ताकि अगर कानून किसी अपराधी को उसके कर्मों की सजा ना दे पाए तो उस अपराधी को पता हो कि जेल की चार दीवारी से भी बुरी चीज बाहर उसका इंतजार कर रही है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, अगर आपको पनिशर का चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है तो हम आपको बता दें कि ये वही आदमी है जिन्होंने RRR नाम की ऑस्कर विनिंग मूवी में गवर्नर स्कॉट बक्सटन का रोल प्ले किया था।